गाइस हम ना रास्ता भूल गए हैं। दो तीन घंटे रेस्ट करने के बाद हम निकले हैं उदयपुर घूमने के लिए। सो हमने डिसीजन लिया कि हम ऑटो बुक करते हैं, उसी में ही घूमेंगे। सो सबसे पहले हम पहुंचे हैं प्रभव वैक्स म्यूजियम। सो जल्दी से हमने टिकट लिए और पहुंच गए अंदर। उसके बाद हम गए मिरर में, जहाँ लिटरली एक बार तो हम खुद ही पजल हो गए थे। अरे कहाँ से जाना है? सामने से। अरे संचित गुम हो गया। गाइस हम ना रास्ता भूल गए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से हमें एग्जिट करनी है, क्योंकि वो जहाँ मिल गया। अरे वाह मिल गया मिल गया। हॉरर हाउस काफ़ी फनी था, तो कमज़ोर दिल वाले वहाँ ना जाएं। और 9D एक्शन मूवी तो बहुत ही अमेजिंग थी गाइस। फिर हम निकले अपने ऑटो वाले भैया के साथ फतेह सागर लेक, जहाँ हमने स्पीड बोट की राइड ली, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी गाइस। तो उसके बाद सबको चाहिए थी चाय, तो ऑटो वाले भैया ले आए हमें यहाँ पे। गाइस आपने कभी ऑटो के अंदर बैठ के चाय पिए क्या? ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हम चाय पी रहे हैं। ये देखो ऑटो में चाय चल रही है। तो यहाँ अंकल जी ने हमें कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई उदयपुर की। मतलब बर्फ नहीं थी उदयपुर वालों को, बर्फ नहीं मालूम था उदयपुर वालों को। हम लोग अजमेर से मंगाते थे और लोग कहते ये क्या है बर्फ, ये धुआं निकल रहा है। तो चाय और स्नैक्स के बाद अब नेक्स्ट होप था हमारा सिटी पैलेस, जहाँ पे हमने टिकट ली और अपनी गोल्फ कार्ट के उधर बैठ के हम पहुँच गए सिटी पैलेस के अंदर। तो यहाँ कुछ देर घूमने और रिलैक्स करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। जिया और संचित अपने कुछ डिस्कशंस कर रहे थे ऑटो में, जो कि बहुत ही फनी थी। हे गाइस, तो हम सबसे लास्ट में आए हैं पिचोला लेक देखने। तो गाइज यहाँ बिल्कुल लेक के बीच में जग मंदिर, लीला पैलेस और ताज होटल बने हुए, जो मैं टेलीस्कोप से देख रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है। और जो ये लीला पैलेस है, यहाँ हाल ही में परिणीति और राघव की शादी भी हुई थी। एक साइड एंजॉय करने के बाद हम पहुंचे लोकल फूड ट्राई करने के लिए। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, भैया ने बहुत बढ़िया घुमाया, सब चीज ध्यान से दिखाई है। एक कमी है, थोड़ा सा इंटीरियर ठीक करवाना है, और दूसरा जो यहाँ है चुपका होता है पीछे बम पे, तो उसमें गद्दी ज़रा लगवा लेना, गया जाएगा। चलो ओके कर दो भैया, बाय थैंक यू। तो गाइस खाना खाने के बाद हम पहुँचे अपने होटल, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। कल हम जाएंगे सज्जनगढ़ और फोक डांस देखने, तब तक के लिए गुड नाइट।